तो गाइस कैसे आप लोग, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो जैसे कि आपने पहले वाले एपिसोड में देखा कि ज़ॉम्बीज़ का एक्सपी फार्म, और देखो ये एक्सपी फार्म एकदम इसी तरह से वर्क कर रहा है। ये देखो इधर से धड़ाई धड़ हमारी एक्सपी बढ़ रही है। देखो इधर से मैंने काफी ज्यादा एक्सपी भी है, मेरा एक्सपी लेवल भी मैंने काफी ज्यादा बढ़ा लिया, 64 कर दिया। देखो ये मैं आपको नीचे वाली चेस्ट भी दिखा देता हूँ, ये पूरी की पूरी फुल हो चुकी है। इसके अंदर अपना रोटन फ्लेश और उनके जो कम लेवल वाले आर्मर होते वो इधर आके पड़ते हैं। और ये देखो इधर से मैं ये वाले सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मारता हूँ और इधर धड़ाई धड़ मेरा एक्सपी लेवल फुल हो जाता है। देखो धड़ाई धड़ अपने ऊपर से ज़ॉम्बीज आते हैं और इधर से हम इसके एक्सपी लेवल कलेक्ट करते हैं और नीचे के तो गए सब। अपना ये एक्सपी फार्म तो पूरा हो चुका है, तो आज टाइम आ चुका है कि हम जाएंगे नेदर में। नेदर में हम ढूंढने वाले हैं एशियन डेब्रिस, क्योंकि हम अपने जो पूरे के पूरे देखो अब अपना पूरे टूल्स आर्मर रेडी हो चुका है और ये एक्सपी लेवल भी बन चुका है। अब सिर्फ हमको जरूरत है तो सिर्फ नेदरराइट आर्मर की। इसके लिए आज हम ढूंढने वाले हैं एशियन डेब्रिस। इधर से सबसे पहले ये मॉब्स को मार लेते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपी ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने कासल में और फिर मैं आपको चलते हैं सीधा कासल में से नेदर में। इधर मैंने बना लिया था ये देखो ऊपर नीचे जाने के लिए, ये मैंने अपना थोड़ा वाटर सोर्स बना लिया है मैग्मा ब्लॉक और सोल सैंड लगा के। इधर हम ऊपर आ चुके हैं। ओ भाई सब ऊपर आते ही हमारे, अरे 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 ये मैं किधर जा रहा हूँ, अरे इधर ज़ॉम्बीज किधर से आ गए। सबसे पहले तो ये ज़ॉम्बीज को मारता हूँ। अरे तीन तीन ज़ॉम्बीज इधर भी स्पॉन हो चुके हैं, इसको मारता हूँ और चलता हूँ अपने कासल। अरे 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 चारों ओर मॉब्स ही मॉब्स हो चुके हैं, सबसे पहले तो मुझे इसके बचना हुआ। अरे 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 क्रीपर क्रीपर दूर नहीं, ओ शिट, अरे अपनी मकड़ी को मार दिया, ये क्या करें। तो चलो इधर से चल के, तो पीछे से भी मैंने अपने कासल का जाने का नया पार्कोर बनाई। देखो हम सीधा जंप करेंगे अपनी पिछली वाली वॉल पे आ गए और इधर पे ये वाली पिछली वाली वॉल पे खड़े हो गए, सीधा पार्कोर करके सीधा चले जाएंगे अपनी सामने वाली वॉल पे। इधर आ गए, इधर से पहले खोलते हैं अपना गेट और बंद करते हैं इसको। अरे बंद हो जा, ओके। और सीधा पहले मैं अपने सो जाता हूँ फिर डी। तो गाइस मैंने अपने कासल के आगे की और मैंने थोड़े बहुत चेंज किए, वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने थोड़े रोड के आसपास थोड़े चेंज किए हैं और मैंने आगे की तरफ थोड़े बहुत नए ब्लॉक लगा दिए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मैंने अपने विलेजर्स टाउन हॉल में किया था। तो ये देखो मैंने दोनों तरफ मैंने कोर्ट्स की स्टेज लगा दी और उसके बीच में मैंने वाटर डाल दिया है, इससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है। पीछे की तरफ मैंने अपने दो आयरन गोलम्स बांध के रखे और ये देखो दो मैंने सभी जगह पे रोड पे मैंने ये वाली डिजाइन कर दी। और आप सोच रहे होंगे कि मेरा पांडा का हाउस किधर गया, मैंने अपनी पांडा की वो स्टेच्यू बनाई थी वो भी मैंने तोड़ दी, क्योंकि वो दिखने में अच्छी नहीं लग रही थी, इसके लिए मैंने उसको तोड़ दिया। फिर हम बाद में उसको नया बना डालेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर जाके दिखाता हूँ। रुको इधर से पहले ऊपर से हम जाते हैं और ये देखो इधर मैंने जंगल ट्री लगा दिया, स्टोन ब्रिक्स लगा दिए हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है। और थोड़े बहुत मैंने बेम्बू भी लगा दिए और ये जंगल ट्री इसके लिए लगाए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़े होते हैं, इसके लिए दिखते भी अच्छे हैं और पांडा का इसमें लुक भी अच्छा आता है। और आगे की तरफ मैंने थोड़ा बहुत वाटर डाल के उसमें थोड़ी बहुत डिज़ाइन कर दी है, ये देखो जैसा ऐसा लग रहा है कि ऊपर से नीचे वाटर आ रहा है। अब इधर से निकलता हूँ, अब मैं आपको लेके चलता हूँ विलेज टाउन हॉल में। और ये देखो मैंने टाउन हॉल के आगे वाला रोड पे भी ये वाली डिजाइन बना दी है, ये देखो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। और ये देखो और विलेज टाउन हॉल तो आपने देख ही लिया था सबसे पहले, और इधर से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो मेरे सारे के सारे मैंने अपने टूल्स में भी थोड़ी बहुत इंचमेंट लगा दी है। तो गाइस ये सब तो हो गया, अब चलते हैं सीधा नेदर में। नेदर में जाके हमको ढूंढना है एशियन डेब्रिस, क्योंकि हम अपने आर्मर को अब थोड़ा अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है। ये देखो मेरे सारे के सारे टूल्स मैंने डायमंड के तो बना लिए, उसमें अच्छी खासी इंचमेंट भी लगा दी, लेकिन अभी के लिए अभी तक हमने उसको नेदरराइट नहीं किया। और हमको एंडर ड्रैगन को मारना है तो उसके लिए तो हमको नेदरराइट के आर्मर चाहिए होंगे। इसके लिए सबसे पहले चलते हैं अपने कासल के टॉप फ्लोर पे और नेदर में जाते हैं उससे। चलो इधर से चलते सीधा नेदर में। ओके तो इधर हम नेदर पोर्टल में तो पहुंच गए और हमारा स्वागत किया है घास ने। अरे 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 मैं तो जल गया, इधर आते ही हमारा स्वागत घास ने किया। इस घास को मैं मार देता हूँ। ओके आसपास दूसरी घास तो नहीं है ना, वरना अभी पता चले घास ने सीधा। अरे 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 वो रही रुक पहले मुझको उसको मार। अरे इधर ये इतनी सारी घास क्यों स्पॉन हो जो रही। अरे 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 मेरा ब्रिज अरे मैं भी गया। ओ शिट रुको पहले तो मैं इस कास्ट को मारूंगा, बाद में मैं अपनी फायर को बुझाऊंगा। अरे अरे मर जा, अरे एरो लगने पे भी नहीं मरी। ओ मर गई। अरे अरे मेरा ब्रिज अभी स्वाहा हो जाएगा आगे की तरफ मैंने इसको। अरे ये क्या हो रहा है, सबसे पहले मुझे ये
तो चलो तो गाइस इधर से चलते नीचे की तरफ माइनिंग करते। मुझे इतना पता है कि 15 लेवल पर हमको एसन डेब्रिज मिलता है, ऐसा इसका प्रॉपर ऐसा जंक तो वही है। 50 से लेके 12 के बीच में हमको जंक में मिल जाते हैं एसन डेब्रिज, लेकिन मुझे पता नहीं ये वाले बायोम में हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, सोल सेंड वाली बायोम में। इधर से चलते नीचे की तरफ, 26 तक तो पहुँचाए अभी थोड़ा। अरे ओ भाई साहब, मुझे लगा कि ये लावा किधर से आ गया। मैं अपने थोड़ा बहुत गोल्ड ले लेता हूँ, तो गोल्ड के इंगट ले लेता हूँ। ओके इतना हो गया, अब ये इसको छोड़ता हूँ, चलता हूँ नीचे की तरफ। ओके हम आ गए हैं 40 तक आ गए, इतना तो काफ़ी होगा। इधर से करते हैं स्ट्रेट माइनिंग और देखते हैं हमको एसन। अरे ये ब्लैक स्टोन इधर से किधर आ जाता है। अब इधर से करते स्ट्रेट माइनिंग हो, ये मुझे नेदर में एक ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है कि देखो हमारे सिर्फ छूटते ही सारे ब्लॉक टूट जा रहे हो। ये मैंने दो पिकेक्स इसके लिए रखी है कि एक वाली है वो सिल्क टच है एसन डेब्रिज को लेने के लिए, और दूसरी वाली में सिर्फ एफिशंसी और फॉर्च्यून लगा हुआ है इसके लिए। इधर सबसे पहले मैं आगे की इधर माइनिंग कर, इस ये वाले ब्लॉक तो सिर्फ छूटते ही सीधा ब्लॉक मतलब टूट जा रहे हैं, और देखो चूरा चूरा हो जा रहा है। इधर से थोड़ा बहुत पहले मैं खाना खा लेता हूँ, फिर आगे की तरफ माइनिंग करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हमको मिलने भी वाले हैं एसन डेब्रिस। तो गाइस इधर से और आगे, अरे मुझे लगा कि ये एसन डेब्रिस है, ये तो प्लेंट है। इधर से मुझे मेरे की सवल को भी हाथ में रखना होगा। ओके मैं अपनी सवल को ले लेता हूँ। इधर से सारा का सारा पहले मैं ये प्लेंट हटा देता हूँ, इधर से ब्लॉक हटा देता हूँ, और इधर से आगे की तरफ फिर से मुझे माइनिंग करते जाता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये वाली बायो में मिलते भी है एसन डेब्रिस या नहीं। रुको इधर से अब मैं जो थोड़े बहुत आगे की तरफ चलते, वरना हम थोड़ा बहुत टर्न ले लेंगे। ओके तो गाइस इतनी सारी माइनिंग करने के बाद भी मुझे अभी तक, अरे मैंने पिकेक्स की तरह छोड़ दी, इतनी सारी माइनिंग करने के बाद भी अभी तक मुझे नहीं मिली है। अरे भाई साहब ये तो सिर्फ बोलते ही मेरे पास एसन डेब्रिस आ गई। ओके तो गाइस अपने सर्वाइवल वर्ल्ड का सबसे पहला एसन डेब्रिस हमको मिल चुका है। तो गाइस हमें अपना सर्वाइवल वर्ल्ड का सबसे पहला एसन डेब्रिस मिल गया है। इसको मैं अपनी सिल्क टच वाली डायमंड मतलब सिल्क टच वाली पिक्स से इसको निकालूंगा, मुझे कोई रिक्स नहीं लेना ये वाले एसन डेब्रिस के साथ। ओके ये आ गया, ओके आ गया, मुझे लगा ये गायब हो गया या टूट गया है। ओके अब ये तो मिल गया, अब देखते हैं इधर आसपास दूसरा होता है या नहीं होता। शायद से तो ये एक ही मिलते हैं, फिर दूसरे तीसरे से पास पास में नहीं होते हैं। अब चलते थोड़े आगे की तरफ, अब शायद से ये वाली स्ट्रेट माइनिंग ही करता, मुझे लगता है इधर कुछ ना कुछ तो हमको पक्का मिल ही जाएगा। टॉर्च लगा देता हूँ वरना मैं अपना रास्ता वापस से मतलब भूल जाऊँगा। अरे 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 ओ फ्लिंट किधर से आ गई, इस फ्लिंट को पहले मैं निकालता रहूँ। ये तो गाइस इधर मुझे बीच में एक और एसन डेब्रिस मिला था, ये देख लो, और इधर मेरी पूरी इन्वेस्ट्री फुल हो चुकी है। गाइस इधर मुझे अभी दो एसन डेब्रिस दिखे हैं, शायद से एसन डेब्रिस। ओके तो इधर हमको दूसरे भी हमको एसन डेब्रिस मिल गए, जल्दी से जल्दी इसको मैं अपनी सिल्क टच वाली पिकेस से निकालता हूँ। और ये देखो सॉरी देखो मुझे बीच में दो एसन डेब्रिस भी मिल गए थे, और मैं अपना आर्मर तो फुल नेटराइट हो जाएगा, इतने तो काफ़ी ज़्यादा एसन डेब्रिस हमारे पास आ चुके हैं। हम चलते सीधा अपने कास्टल में, इतने तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे शायद से। अब मुझे लगता भी नहीं कि मैं काफ़ी ज़्यादा मैंने माइनिंग कर दी और बोर भी हो चुका। अब लास्ट ट्राई करते इधर हम आगे की तरफ थोड़ी और माइनिंग करके कि इधर कुछ मिल जाए या एसन डेब्रिस मिल जाए तो अच्छा, वरना हम चले जाएंगे अपने वापस से कासल में की। और अब मैं काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका हूँ, इधर साइड से आगे की तरफ माइनिंग करते कुछ मिलता है तो सही, वरना वापस से चले जाएंगे अपने कासल में। ओके ये देखो सिर्फ छूते ही अपने, अरे ओ इधर इतने सारे एसन डेब्रिस, डायमंड में बोल रहा हूँ। इधर से सारे के सारे पहले एसन डेब्रिस उठाते हैं। अब तो मैं पक्का ये लेके मैं सीधा चले जाता हूँ अपने कासों में, मुझे नहीं मरना बीच में, वरना ये सारे के सारे मेहनत तो अपनी पानी में चली जाएगी। इधर से उठाते ये वाला एसन डेब्रिस, और ओ तीन तीन एसन डेब्रिस, लेकिन अभी तक मुझे जितने भी मिले वो सिर्फ एक एक ही मिले थे। ये पता नहीं ये वाला बायोम में मतलब शायद से एसन डेब्रिस के लिए ही बनी होगी ये वाली बायोम। वो एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार मिले हैं। ओके अब मेरे पास 8 एसन डेब्रिस हो चुके, अब सीधा चलते अपने कासल में वापस से। तो गाइस हमको जितने भी चाहिए थे उतने एसन डेब्रिस मिल चुके हैं, लाइक ये लेके हम सीधा चलते अपने कासल की ओर।
ये तो गाइस मैं ऊपर आ चुका हूँ। इधर ऊपर आते ही फिर से इधर गास्ट स्पॉन होगी। इधर क्या गास्ट का स्पॉन पॉइंट है या क्या? अरे यार इसने वापस से मुझे जला दिया। रुको अब तो सबसे पहले इसको मारता हूँ। ओके ये मर गई। अरे इसने मेरा पोर्टल भी बुझा दिया। इधर से मारता हूँ फ्लिंट और चलते सीधा कास्ट। अरे अरे पहले सबसे पहले मैं अपने पोर्टल के आसपास की सारी आगे ना वो मिटा देता हूँ। अरे यार ये कास्ट को भी चेंज नहीं है। गाइस मैं अपने वापस से अपने वर्ल्ड में तो आ चुका हूँ। इधर से चलते नीचे की और ये क्या हो चुका हो, मैं सीधा दूसरे वाले पोर्टल में से बाहर निकला हूँ। ओके इधर से चलते अपने कासल में। अरे ये क्या हुआ? ओके मुझे मेरी फूड, पहले मैं अपना फूड फूल कर लेता हूँ, उसके बाद हम अपने एसन डेब्रिस को अपने मतलब आर्मर को एसन डेब्रिस में नेदराइट में कन्वर्ट कर डालेंगे, फिर अपने आर्मर को नेदराइट में कन्वर्ट कर डालेंगे। ये वाली चेस्ट में से मेरा ओके ये वाली चेस्ट में मेरा ब्लास्ट फर्नेस है, इसमें से ब्लास्ट फर्नेस निकालता हूँ और इसको डाल लेता हूँ अपने ब्लास्ट फर्नेस को। रुको सबसे पहले मेरे इन्वेस्ट्री में जगह नहीं है। ओके आ गए मेरी इन्वेस्ट्री पूरी की पूरी नेदर ब्लॉक से मतलब पूरी फूल हो चुकी है। इधर से सबसे पहले मैं अपनी पिकेक्स लेता हूँ और इधर मैं लगा देता हूँ अपने ब्लास्ट फर्नेस। अरे कोल सामने से ले ला, अपने कोल की तो हमारे पास कमी नहीं है। ये वाली चेस्ट में अरे इसमें इतना सारा था वो सारा का सारा ख़त्म। अरे ये इसमें से थोड़ा बहुत उठा लेते हैं अपना कोल। ओके 40 तो हो चुका, दोनों में 20-20 डाल डालेंगे। इसमें डालते हैं थोड़ा बहुत कोल, इसमें डालते हैं और इसमें डाल देते हैं अपने थोड़ा बहुत एसन डेब्रिस डाल देते हैं अपना एसन। ओके 3 इसमें डालें और उसमें थोड़ा कोल डाल के। ओके इसमें कोल डाल देते हैं अपना 23 और इसमें डाल देते हैं अपना एसन डेब्रिस। और अब थोड़ा वेट करते हैं इसके स्क्रैप बनते हैं, तब तक हम थोड़ा बहुत वेट कर दें। ओके मुझे लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा लेकिन ये तो अभी के अभी स्क्रैप। तो ओके तो गाइस अब तक तो मेरे ख्याल से ओके स्क्रैप हो चुके हैं इस स्क्रैप को। ओके स्क्रैप ही बोलते हैं ना, फिर बाद में पता चले मैं खो रहा हूँ। ओके मैं गलत बोल रहा हूँ, फिर बाद में पता चले। रुको इस पहले चेस्ट में से मैं पहले अपनी पिकेक्स उठा लेता हूँ, इतनी मेहनत से इसमें एन्चेंटमेंट लगाइए। ओके तो गाइस इधर से पहले मैं अपना गोल्ड उठा लेता हूँ। ये वाली चेस्ट में मैंने अपना गोल्ड रखा ये उठा लेता हूँ। ओके तो मैं अपने टाउन हॉल में आ चुका हूँ। इधर मेरा स्मिथिंग टेबल पड़ा, इस स्मिथिंग टेबल में से ओके स्मिथिंग टेबल या इसको क्या बोलते हैं ये वाले वर्क स्टेशन का मुझे नाम नहीं पता। ओके इधर मैंने अपनी चेस्ट प्लेट उतार ली, इस चेस्ट प्लेट को रखते इधर, इस इंगट को रखते इसमें। तो ओके इधर से हमारा बन चुका है। ओके तो गाइस फाइनली हमारा बन चुका है पावरफुल चेस्ट प्लेट मतलब नेदरराइट का अपना चेस्ट प्लेट बन चुका है। ओ भाई साहब मतलब ये क्या तगड़ा लुक आ रहा है इसमें तो। आप सोचो सिर्फ हमारा सारा आर्मर मतलब नेदरराइट का बन जाएगा तब कितना अच्छा लगेगा। तो अब चलते सीधा कासल में, वो बनाते सीधे के सारे आर्मर को नेदरराइट का बना डालते हैं। शायद से अब सारे के सारे स्क्रैप बन चुके होंगे। ओके देख लेते हैं स्क्रैप बन चुके हैं या नहीं। ओके बन चुके हैं। इधर से ले लेते ये स्क्रैप और इधर से उठा लेते हैं दूसरे स्क्रैप। ओ अरे ये तो सिर्फ 4 ही हुए, मुझे लगा कितने सारे हो जाएंगे। ये तो सिर्फ मैं अपने दो ही आर्मर को नेदरराइट का बना सकता हूँ। और अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने बूट को बनाऊँ, हेलमेट को या अपनी पेंट को। ओके गाइस ये सब छोड़ो, ये सब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, इससे अच्छा तो मैं अपना नेदरराइट इंगेट बना लेता हूँ और मैं अपने बूट में इंगेट लगा देता है। इसके लिए उसकी थोड़ी बहुत तो हमारी एक्सपी बढ़ ही जाएगी, उसकी मतलब पावर बढ़ी जाएगी। अरे यार मैंने अपना बूट तो लिया नहीं, बूट को लेता हूँ पहले हाथ में और ये सबसे पहले इधर लेता हूँ अपना बूट, इसको नेदरराइट का बना डालते हैं। तो ओके तो गाइस हमारा बूट और चेस्ट प्लेट हो चुकी है, फिर हम धीरे धीरे करके अपने हेलमेट को और पेंट को भी हम अपग्रेड कर डालेंगे नेदरराइट में और अपने टूल्स को भी कर डालेंगे। तो आज की वाली वीडियो में इतना रखते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। बचपन से सोचा कैसा होगा बड़ा होना, हर बात पे चुप हुआ रंडी रोना।